तात्पर्य किसी जाति का नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब ब्राह्मण से तात्पर्य कहा गया है तो ऐसे लोगों के विषय में कहा गया है जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के विषय में जानते हैं, किसी विशेष जाति का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। भगवान ने कहा है चातुर्वर्णा मैं सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म के हिसाब से जो है व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, जाति के हिसाब से नहीं। तो जो व्यक्ति ज्ञान ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिघाति, जो पठन पठन जो पढ़ाए जो पढ़े पढ़ाए और दान ले यज्ञ इत्यादि करे, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। और ये ब्राह्मण जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, वैदिक शास्त्र में पटु होते हैं और ये समाज का नीति निर्धारण करते हैं। तो जो समाज का नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसे लोगों को कौन प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे लोगों को भगवान स्वयं प्रोटेक्शन देते हैं।